सो गाइस, आज हम लोग बात करते हैं दो बाइकों का बीजेम है, डोमिनार 400 आर एक है NS 400। तो फिर हम लोग क्रोम खोलते हैं। एक है बजाज डोमिनार 400 और दूसरे क्या है राइट साइड में, बजाज पल्सर NS 400Z। सो अभी तो रिसेंटली ये NS 400Z रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ये डोमिनार तो पहले से था ही, बट चलिए अब यही दोनों का कंपेरिजन करते हैं। आप यहाँ से एक एक शोरूम प्राइस बजाज 400 का लगभग दिखा रहा है अभी तक 2,90,300। ये कहाँ का है एक शोरूम प्राइस, ये ऑन रोड प्राइस मुंबई का सिटी, मुंबई सिटी का दिखा रहा है, और ये भी मुंबई का ही है, जबकि इनका प्राइस दिखा रहा है 2,33,227 रुपीज़। हाँ तो सर, डिफरेंस तो समझ सकते हैं, काफी डिफरेंस है, और लगभग पावर ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। सो आगे चले बात करते हैं, आगे देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन। ये भी डोमिनर जो है ये भी एक ब्लैक कलर में है, आइए देख सकते हैं ये कौन सा स्टैंडर्ड वाला कलर समथिंग होगा। सो इसके बाद जाते हैं बजाज डोमिनर 400 प्राइस, तो हम लोग देख लिए दोनों साइड में। डोमिनर 400 की हाइलाइट्स, इंजन कैपेसिटी लगभग फोर डोमिनर 400 में दिया 373.3 सीसी, और इसमें क्या दिया है 373, यानी 0.3 सीसी का ही डिफरेंस है, जो कि डोमिनर 400 में 0.3 सीसी ज्यादा है, और दूसरे में NS 400Z में 0.3 सीसी कम है। अब माइलेज का बात करते हैं गाइस, माइलेज का लगभग डोमिनर 400 क्लेम करती है 30 किलोमीटर पर लीटर, वह जहाँ की NS 400 क्लेम कर रही है 35 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर का डिफरेंस है माइलेज में। और ट्रांसमिशन देखते हैं, ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं गियर बॉक्स, डोमिनर 400 में 6 गियर 6 स्पीड मैनुअल बताया जा रहा है, यानी 6 गियर है, और NS 400 में भी 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, ठीक है। कर्व यहाँ देख सकते हैं, डोमिनर में 193 kg, वेरियस कर्व इसमें 400 में NS 400 174, काफी डिफरेंस है वेट में, यानी NS 400 थोड़ा लाइट वेट में आएगा। तो बताते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी, फ्यूल टैंक का देख सकते 13 लीटर है, जाके फ्यूल टैंक का कैपेसिटी इसमें 12 लीटर है, यानी 1 लीटर कम ही है। सीट हाइट इसमें 800 mm है गाइस, और इसमें कितना 807, यानी डोमिनर 400 NS 400 में 0.7 mm का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनका, देखते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस। डिस्प्लेसमेंट में वही लगभग 0.3 सीसी का डिफरेंट है। मैक्स पावर देखते हैं कितना BHP दिया है, 39.42 BHP दिया है, और 8,800 RPM पे, वेरस यानी NS सॉरी मैंने बजाज 400 में हल्का सा पावर ज्यादा है, जबकि सेम RPM है 8,800 RPM है। NS 400 में देखते 30-35 न्यूटन 6,500 RPM पे, यानी दोनों का सेम ही है। उसके बाद आते हैं माइलेज, तो 30 देखें या 35 देखें। इसके बाद आता है, आगे जाते हैं मोर मोर पे, ब्रेक व्हील एंड सस्पेंशन पे। फ्रंट सस्पेंशन देता है टेलीस्कोप 43 mm का, एंड USD फॉर्क 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क, ये देख सकते हैं, ये है आपका NS 400 पे। दूसरे आते हैं रियर सस्पेंशन, मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विथ नाइट्रिक व्हील स्टॉक, तो देख सकते हैं ये दिया हुआ है इसमें मोनोशॉक ऑब्जर्वर। आप दोनों ब्रेकिंग का बात करें तो गाइस ड्यूल चैनल ABS, इसमें भी डुअल चैनल ABS, यानी दोनों बाइक में ही डुअल चैनल ABS दिया है, और फ्रंट ब्रेक टाइप डिस्क, आगे में भी फ्रंट ब्रेक है डिस्क, दोनों का ही सेम है। अब आते हैं इनका डायमेंशन और चेसी का। कर्व वेट का तो कर्व वेट देखें 193, ये डोमिनर का कर्व वेट NS 400 में 174। सीट हाइट भी देखें इसमें 800 है डोमिनर में, और जबकि इसमें 807 mm NS 400 में। ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm, वेरियस ये 168 mm, यानी बोले तो NS 400 में हाइट कुछ ज्यादा ही दे दिया है, शॉर्ट हाइट के लिए दिक्कत है चलाने के लिए, ओवरऑल लेंथ इसका अच्छा खासा लेंथ दिया है 2,156 mm लेंथ।